क्वेश्चन नंबर फाइव है एपी का, कल क्लास दस का। अब यहाँ पर आपके सम ऑफ 51 टर्म फाइंड करना है, और हमारे पास सेकंड टर्म भी दे रखा है और थर्ड टर्म भी दे रखा है। अगर मुझे डी फाइंड करना है तो क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, लगातार दो टर्म का जो डिफरेंस होता है वही डी होता है। ये आएगा आपके 18 माइनस 14 इक्वल कितना आएगा 4। अब हमारे पास दे रखा है A2, इसका मतलब होता है A प्लस डी। A2 जो दे रखा है आपके 14, A तो दिया हुआ नहीं है, और D हमारे पास दे रखा है 4, इसको उधर भेज देंगे साइड, तो A का वैल्यू आएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके 10। A आ गया, D आ गया, और हमारे पास टोटल 51 टर्म है। आप तो लास्ट टर्म फाइंड कर लो। अगर मुझे 51 टर्म जिसे बोलते हैं लास्ट टर्म फाइंड करना है, फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 50D, या फिर डी वाला फॉर्मूला कर दो। ए दे रखा है आपके कितना है, ए हमने फाइंड किया है 10, 50 इंटू डी का दे रखा है आपके 4, और 10 प्लस ये होता है आपके 200। अब ये हो गया आपका कितना 210, ये हो गया है आपके लास्ट टर्म हो गया। अब मुझे फाइंड करना है SN, 51 टर्म का सम फाइंड करना है, फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन 2 a प्लस l, टोटल टर्म है वो है 51 टर्म, और साथ में दे रखा है फर्स्ट टर्म दे रखा है आपके 10, और लास्ट टर्म दे रखा है कितना अभी हमने फाइंड किया 210। ये आएगा 51 अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपके 220। 51 अपॉन 2 इंटू, अब ये 2 का डिवाइड ही कर दो यहाँ पर, ये जाएगा आपके 110। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पहले जाएगा 1, फिर 51 प्लस 1 प्लस 5, 5 6 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350, डिफरेंस 9, कॉमन डिफरेंस 9 दे रखा है, हमें एन भी फाइंड करना है और एस एन भी फाइंड करना है। इस लास्ट टर्म को हम ए एन भी कहते हैं, तो पहले इसे हम एन फाइंड करेंगे 5.2 की तरह। ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी, ये वही क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन था, सेम। लास्ट टर्म दे रखा है 350, फर्स्ट टर्म दे रखा है 17, एन करना है आपको, फाइंड करना है माइनस 1 कितना, डी कितना दे रखा है 9, ये जो प्लस का है हो जाएगा माइनस में, ये मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा डिवाइड में, इजिकल टू एन माइनस 1, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आएगा 333 अपॉन 9 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके एन माइनस 1, करो 9 का डिवाइड, ये जाएगा आपके कितनी बार 3 टाइम, पीछे बच जाएगा 6, अब जाएगा 9 टाइम इजिकल टू एन माइनस 1 के 7 टाइम जाएगा, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा आपके 37 प्लस 1 कितना हो गया है 38 हो गया, ये तो हो गया आपके n। अब मुझे फाइंड करना है SN, फॉर्मूला क्या फाइंड करने का, n बाई 2 a प्लस l, लास्ट टर्म है मेरे पास, उससे क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले है आपके n दे रखा है 38 अपॉन 2 जो हमने अभी फाइंड किया, फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म आपके 350, इसमें से डिवाइड करेंगे 19 टाइम जाएगा, और ये आता है 367, मल्टीप्लाई कर दो 19 7 जा 133, 19 6 जा 144, ये 715 बच जाएगा, 57 ऐड कर लेंगे तो ये आता है आपके कितना 69। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हमें लेने हैं 1 to 1000 नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, और वो नंबर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपके 3 होगा, जिसमें 3 का डिवाइड जाता है, फिर क्या आएगा आपके 9, फिर क्या आएगा 15, फिर आएगा 21, सारे ऑड नंबर्स लेने हैं, और सबसे लास्ट में क्या आएगा 999 आएगा, ये सारे नंबर होंगे, तो ए कितना आएगा आपके 3, डी कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पीछे बचेगा 6, और लास्ट टर्म दे रखा है आपके 999, इससे हम ए एन बी कह सकते हैं। अब मुझे पहले एन फाइंड करना पड़ेगा,
तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी, जो एस एन के लिए एन चाहिए। तो लास्ट टर्म दे रखा है आपके 999, फर्स्ट टर्म दे रखा है 3, एन माइनस वन और डी दे रखा है 6। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके डिवाइड में, इजिकल टू एन माइनस वन। अब माइनस करो तो होता है 996 अपॉन 6 इजिकल टू एन माइनस वन, करो डिवाइड। पहले जाएगा वन टाइम, पीछे बच जाएगा आपके 3, फिर जाएगा आपके 6 टाइम, पीछे 3 या 6 टाइम। उधर ट्रांसफर करो तो एन का वैल्यू आएगा 166 प्लस 1 इजिकल टू 167। अब मुझे फाइंड करना है एस एन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बाई टू ए प्लस एल हो जाएगा। लास्ट टर्म 167 एन अपॉन टू, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 999। 167 अपॉन टू इन टू, दोनों ऐड कर लेंगे तो ये होता है 1002, इसमें इसका डिवाइड जाएगा 501। अब इसको इसको करना है मल्टीप्लाई, तो वो आता है आपके 83667। मल्टीप्लाई कर देना आपस में। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट टर्म दे रखा है, इसका मतलब होता है A1 या A कह सकते हो, वो दे रखा है आपके 8। Nth टर्म मतलब होता है An, जैसे फर्स्ट होता तो फर्स्ट लिखा, यहाँ वन लिखा मैंने, अगर Nth टर्म क्या आएगा An, जिसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, वो दे रखा है आपके 33 दे रखा है। सम ऑफ n टर्म मतलब Sn, वो दे रखा है 123 दे रखा है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है, ये दोनों क्या करने हैं आपको फाइंड करने हैं। मेरे पास लास्ट टर्म है तो Sn में लास्ट टर्म वाला लगाऊंगा। Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n बाई टू ए प्लस एल, सम ऑफ n टर्म 123। n टर्म फाइंड करने हैं, फर्स्ट टर्म दे रखा है आपके 8 और लास्ट टर्म दे रखा है 33। अब इधर चला जाए ये वाला, तो ये हो जाएगा आपके 246 इजिकल टू, अब ये दोनों कितना होता है ऐड करने पर 41n, इधर आ गया ना मल्टीप्लाई हो गया, अब ये मल्टीपल हो जाएगा डिवाइड में, n इजिकल टू 246 अपॉन 41। इसका डिवाइड 1 का इसमें 6 टाइम जाता है, इसका भी 6 टाइम जाता है, तो पूरा भी जाएगा 6 टाइम जाएगा, n आ गया 6। अब हमारे पास ये दे रखा है ए एन का मतलब होता है, देखो ए एन ए का ए एन हमारे पास मिल गया है 6, ए 6 कैसे फाइंड करते, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस 5d। ए एन ये कितना दे रखा है आपके पास 33 दे रखा है, ए कितना, ए तो दे रखा है आपके 8 प्लस 5d इजिकल टू 33, उसको तो ट्रांसफर कर देंगे तो 5d इजिकल टू हो जाएगा 33 माइनस 8, ये आएगा 25, फिर मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, तो d आएगा 25 अपॉन 5 इजिकल टू हो जाएगा 5। तो ये n और d हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल 280 रुपीज़ है, प्राइज मनी है 280 रुपीज़, इसको चार स्टूडेंट में बांटना है, जो भी चार जो भी इसमें भाग लिया है उनमें बांटना है, और फर्स्ट वाले के और सेकंड वाले में इसमें कितना है 20 का, फिर सेकंड मतलब जो धीरे धीरे क्या होगा कम देते रहेंगे, 20 रुपीज़ क्या देना है इसको कम देना है। माना कि जब ऐसे फर्स्ट को मैंने दिया, जो फर्स्ट है ना मतलब ए कहते हैं, उसको मैंने दिया है माना कि एक्स दिया, तो बताओ सेकंड वाले को मैंने क्या दिया होगा, जो ए टू कहते हैं वो होता है आपके इससे 20 रुपये कम, मान लो इसको 100 मिला उसको 20 कम मिल जाएगा 80 मिल जाएगा, उसको 200 मिला उसको हो जाएगा 180, दोनों में 20 रुपीज़ का गैप है, जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा और पिछले वाले को थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर वो डी फाइंड करना क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एक्स माइनस 20 माइनस एक्स, एक्स टू एक्स कैंसिल, तो डी कितना आया माइनस 20, तो पिछले वाले से माइनस कम है, और टोटल वैल्यू कितना दे रखा है आपके, टोटल एस एन दे रखा है आपके 280 और एन कितना दे रखा है, एन है आपके 4,
क्योंकि फोर भाग ले रहे हैं ना कंपटीशन में, फोर जने भाग ले रहे हैं, तो इसलिए आप एन कितना आएगा आपका, फोर आ जाएगा। एन आ गया, एस एन आ गया, डी आ गया। अब ये चारों को फाइंड करने, अगर मैं चारों में से केवल ए फाइंड कर लूँ बाकी वाले भी ऑटोमेटिक आपके फाइंड हो जाएंगे, क्योंकि बाकी वाला सब क्या है 20-20 रुपीज़ कम है, तो मुझे ए फाइंड करना है। तो मुझे ए पहले फाइंड कर लो, पहले कितना मिला फाइंड हो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ डी है तो डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन, और यहाँ आएगा आपके डी आ जाएगा। एस एन 280, एन 4 अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट को इनाम देना फाइंड करना है, एन दे रखा है 4 माइनस 1 और डी दे रखा है आपका कितना माइनस में 20 रुपीज़, इसमें इसका डिवाइड होता है 210। अब ये मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में हो जाएगा, ये आएगा 280 अपॉन 2 और यहाँ आएगा आपके 2a प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू माइनस का 20, इसमें से डिवाइड करेंगे ये जाएगा आपके 140 टाइप, इजिकल टू 2a प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 60, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आता है 140 प्लस 60 इजिकल टू 2a, ये हो गया है आपके 200 इजिकल टू 2a मल्टीपल का, तो a का वैल्यू आएगा 200 अपॉन 2, ये आएगा आपके 100। इसका मतलब फर्स्ट को हमने कितना दिया 100, सेकंड को उससे 20 रुपये कम 80, फिर 60, फिर 40, टोटल जो वैल्यू होता है वो होता है 280, तो ये 100, ये भी 100 और ये 80, टोटल हो गया 280। क्वेश्चन नंबर दे रखा 10th, टीवी सेट का करना है आपको, प्रोडक्शन किया हुआ दिया हुआ प्रोडक्शन का, थर्ड ईयर में इसने बनाया था, थर्ड ईयर मतलब एक साल, वो तीसरा साल कंपनी का, तीसरा साल थर्ड ईयर में कितना बनाया 600, और सेवन ईयर में कितना बनाया इसने, जब सातवा साल चल रहा था कंपनी का तब उन्होंने एक ही साल में सेवन्थ ईयर में 700 बनाया, और ये कह रहा है कि हर साल इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे एक ही रेशो में हो रहा है। हमें फाइंड करना है फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन किया था, टेंथ ईयर में कितना किया था, और टोटल सेवन ईयर में फर्स्ट टू लगाकर सेवन तक टोटल कितना हुआ। तो इस तो ये हमारे पास का इसका मतलब होता है आपके A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, ये दे रखा है 600। सेवन ईयर का प्रोडक्शन मतलब A7, इसका मतलब होता है A प्लस 6D, केवल सेवन ईयर ही है, एक ही साल में सातवें साल में 700 बनाया, 700 बनाया। फर्स्ट ईयर में कितना बनाया A फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, एक तो A फाइंड करना है। टेंथ ईयर में कितना, टेंथ वाला जो ईयर आएगा उसमें कितना होगा, उसके लिए मुझे फाइंड करना है A10। टोटल प्रोडक्शन इन सेवन ईयर फर्स्ट लगाकर सेवन तक टोटल कितना आएगा, हमें फाइंड करना है S7 फाइंड करना। पहले इससे हम AD तो फाइंड करो, पहले साइन चेंज, ये और ये कैंसिल, माइनस 6 प्लस का 2 होता है माइनस का 4D, और ये होता है इसमें डिफरेंस है माइनस का 100, माइनस माइनस कैंसिल मल्टीपल का डिवाइड में, तो डी आएगा आपके 100 अपॉन 4 कितना आएगा 25 आएगा आपके डी, मतलब हर साल 25 टीवी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब डी का वैल्यू यहाँ रखो इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पुट करेंगे। ए का वैल्यू कितना दे रखा है आपके, ए का वैल्यू दे रखा है आपके फाइंड करना है, और टू का टू, डी का वैल्यू कितना दे रखा है 25 इजिकल टू 600, ए प्लस 50 इजिकल टू 600, अगर ट्रांसफर कर देंगे तो ए का वैल्यू कितना आएगा आपके 600 माइनस 50, ये आएगा आपके 550। अब मुझे फाइंड करना है सेकंड पॉइंट A10, मतलब टेंथ ईयर में कितना हुआ, तो A10 का मतलब क्या होता है आपके A प्लस 90, A कितना 550, D कितना 25, 550 प्लस 225 टोटल होता है आपके 775, ये होता है टेंथ ईयर में। अब हमें बताना है S7,
हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है, ये रहा, यहाँ सेवन टर्म पूछा ना, और हमारे पास ए सेवन दे रखा है, मतलब लास्ट टर्म कह सकते हो, क्योंकि यहाँ हमें सेवन ही फाइंड करना है, तो सेवन तो क्या कहलाएगा, लास्ट टर्म कहलाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल। और समझ में नहीं आए कि लास्ट टर्म है या नहीं है, तो डी से फाइंड करो, डी से आराम से कर सकते हैं, ये दे रखा डी आपको, डी से कर सकते हैं, एन सेवन ईयर, ए फर्स्ट ईयर कितना 550 और लास्ट ईयर कितना 700, ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करो तो ये होता है आपके 7/2 और ये होता है आपके 1250 होता है, इसमें अगर डिवाइड करेंगे ये जाता है 625, मल्टीप्लाई करो 25 सेवन जा, ये होता है आपके 175 और ये होता है आपके 76 का कितना होता है 42 प्लस 1 ये होता है 43, टोटल 4375 टेलीविज़न बने। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, धन्यवाद।